नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने डैम को खत्म किया, अब हम बात करते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क की। ठीक है, रिवर ट्रेनिंग वर्क में क्या होता है कि रिवर को उसके डिस्चार्ज को बढ़ाने के लिए, उसके जो है अलाइनमेंट को सीधा रखने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, तो उसी को हम रिवर ट्रेनिंग कहते हैं। तो रिवर ट्रेनिंग पढ़ने से पहले हम बात करते हैं रिवर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर की। ठीक है, अगर हम रिवर की बात करें तो रिवर में कुछ रीच होती है। जैसे मान लीजिए रिवर जब निकलती है कहां से, माउंटेन से, पहुंचती कहां पर है, किसी समुद्र या सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो वहां के लिए जो है इनको चार रीचेज में बनाया गया है, जो चार रीचेज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका माउंटेनियस रीच। मतलब जब आपकी नदी पहाड़ों से निकलती है तो क्या पहाड़ों से होकर आती है, तो वहां पे आप देखेंगे कि पहाड़ों के किनारे खुद ही इतने दृढ़ होते हैं कि नदी अपना शेप या साइज मतलब अलाइनमेंट नहीं चेंज कर पाती है। तो वहां पे आपको ट्रेनिंग करने की कोई अवस्था नहीं, मतलब आवश्यकता नहीं होती है। रिवर को वहां पे जैसे चल रही है वैसे चलने दिया जाता है, वहां पे रिवर ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो है सब माउंटेनियस रीच। इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें भी आपकी जो है जो आपके पहाड़ों की जो है ढलान से होके जो आपके पठारी क्षेत्र होते हैं नदी उसमें आ जाती है, तब वहां पे भी आपके दृढ़ होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, थर्ड है आपका एलुवियल रीच। ठीक है, थर्ड क्या है आपका एलुवियल रीच, ट्रफ और एलुवियल रीच, ट्रफ और एलुवियल रीच। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो रिवर है वो एलुवियल मतलब मैदानी भागों में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपकी जो रिवर होती है यहीं पर आप क्या करते हैं, रिवर ट्रेनिंग करते हैं, एलुवियल रीच में ही आप रिवर की ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद में आपको एलुवियल रीच में रिवर की ट्रेनिंग ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपको ये चीज खत्म करते हैं। फिर लास्ट है आपका इसमें डेल्टाइक रीच, आप कह सकते हैं डेल्टा रीच। ठीक है, डेल्टा रीच में क्या है, जब आपकी नदी किसी मतलब जो है सागर में मिलने वाली होती है, उससे पहले आप देखेंगे जो आपकी जितने भी बंगाल की खाड़ी में रिवर्स गिरती हैं उन देखेंगे गिरने से पहले क्या डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो वही डेल्टा रीच कहलाता है। सागर में मिलने से पहले आप कई धाराओं में बट जाती है छोटी छोटी, तो वहां पर क्या हो जाता है डेल्टा रीच। ठीक, तो अब हम आपसे बात करेंगे एलुवियल जो है रिवर्स मतलब एलुवियल क्षेत्र में जब रिवर प्रवाहित होती है तो उसके कितने शेप हो सकते हैं। ठीक है, शेप ऑफ रिवर, या आप कह सकते हैं टाइप ऑफ रिवर भी कह सकते हैं। ठीक है, शेप ऑफ रिवर इन एलुवियल प्लेन्स। ठीक है, शेप ऑफ रिवर और टाइप कह सकते हैं। ठीक है, रिवर, ठीक है, शेप ऑफ रिवर और टाइप ऑफ रिवर। ठीक, बात करते हैं पहला आपका, पहला होता है एग्रेडिंग रिवर। क्या आता है एग्जाम में? ठीक है, ये आपके जितने भी हम पढ़ाएंगे 7-8 इसको आप ध्यान दीजिएगा। एग्रेडिंग रिवर, किस रिवर को आप एग्रेडिंग रिवर कहेंगे? जब कोई रिवर अपनी तली को, अपने बेड स्लोप को किसी विशेष स्लोप में ढालने के जो है प्रयासरत में रहती है, मतलब ढालती रहती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलुवियल रिवर मतलब एग्रेडिंग रिवर कहते हैं, सॉरी। ठीक है, जब कोई रिवर अपने बेड स्लोप को किसी विशेष स्लोप पर ढालती रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्रेडिंग रिवर कहते हैं। ठीक है, अब एग्रेडिंग रिवर की हम बात करें तो इसमें अपने जो है स्लोप को कैसे विशेष स्लोप में ढालेगी, तो उसके लिए क्या होता है, इसमें सिल्टिंग होती रहती है। सिल्टिंग क्या होती रहती है, आपकी सिल्टिंग होती रहती है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि सिल्टिंग होते होते क्या होता है कि सिल्टिंग जो है ऊपरी सरफेस तक हो जाती है, तो नदी की जो है धाराएं होती हैं कई भागों में बट जाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसी रिवर को क्या कहते हैं, हम एग्रेडिंग रिवर कहते हैं। ठीक है, एग्रेडिंग रिवर में क्या होता है, सिल्टिंग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी टाइप के रिवर में सिल्टिंग होती है, तो एग्रेडिंग रिवर में। ठीक है, दूसरा है आपका डिग्रेडिंग रिवर, डिग्रेडिंग रिवर। तो डिग्रेडिंग रिवर में आपका क्या होता है, ऐसी रिवर, ठीक है, ऐसी रिवर जो अपने किनारों को
ठीक है, किनारों को स्कोर करते हुए चलती है, मतलब उनके किनारे हमेशा कटते छटते रहते हैं, मतलब इस प्रकार की रिवर में आपकी क्या होती है, स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग होती है, ठीक है। ऐसी रिवर जिसमें स्कोरिंग होती है, जो अपने साइड को जो है या अपने कह सकते हैं अलाइनमेंट को चेंज करती रहती है, उसे कौन सी रिवर कहते हैं, डिग्रेडिंग रिवर कहते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका इसमें स्टेबल रिवर, स्टेबल रिवर वह रिवर जो अपने अलाइनमेंट को और अपने साइज तथा शेप को नहीं चेंज करती है, उसे हम स्टेबल रिवर कहते हैं। स्टेबल रिवर में आपका क्या सिल्टिंग भी होती है, स्कॉरिंग होती है, लेकिन बहुत नेग्लेजिबल के बराबर होती है, मतलब ना के बराबर होती है, जिससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी रिवर जिसमें जो है जो अपने शेप या अलाइनमेंट को कभी चेंज करने का प्रयास नहीं करती है, ठीक है, उसे हम कौन सा रिवर कहते हैं, स्टेबल रिवर कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आप जो है पिछली बार ही एसएससी में आया था, आप क्वेश्चन खाक देख लीजिए जो हमने कराया है, उसमें देखिएगा वर्डिन रिवर की हमने बात की थी, ब्रेडेड रिवर की हमने बात की थी, वो सब हम इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपग्रेडिंग रिग्रेडिंग ये सब आया हुआ है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला चलते हैं फोर्थ पर, फोर्थ क्या हमारा स्टेबल रिवर हो गया। अब हम बात करते हैं आपसे ब्रेडेड रिवर की, देखिए आ गया ब्रेडेड रिवर, ठीक है। बताइए ब्रेडेड रिवर क्या होता है, ऐसा लग रहा होगा पहली बार सुना है ना नाम। तो ब्रेडेड रिवर क्या होता है, जब आपकी रिवर एलुवियल द्वीपों से होकर गुजरती है, ठीक है। मान लीजिए आपका रिवर जा रही है, ठीक है, ये आपकी रिवर जा रही है, इसमें आपको क्या छोटे छोटे एलुवियल द्वीप मतलब भूभाग का उठा हुआ जो है, मतलब समुद्र नदियों के बीच में भूभाग जो है थोड़ा सा उठा होगा एलुवियल क्षेत्र में, तो पानी इसमें कैसे फ्लो करेगा, आपका पानी जा रहा है तो फिर पानी इसके ऐसे कभी ऐसे इसके आर पार से होते हुए निकल जाएगा, मतलब कई धाराओं में बट जाएगा पानी, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ऐसी रिवर ब्रेडेड रिवर कहलाती है, मतलब जब आपकी रिवर किसी एलुवियल द्वीपों के पास से गुजरती है तो दो या दो से अधिक चैनलों में क्या हो जाती है, बट जाती है, तो उसे हम कौन सी रिवर कहते हैं, ब्रेडेड रिवर। इसको याद कर लीजिए, जब कोई रिवर अपने जो है किसी एलुवियल द्वीपों से होकर गुजरती है या उसके आसपास से उसके अराउंड से होकर गुजरती है तो उसकी जो है दो या दो से अधिक शाखाओं में बट जाती है, दो या दो से अधिक धाराओं में बट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेडेड रिवर कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा डेल्टाइक रिवर, फोर्थ है आपका, फिफ्थ है डेल्टाइक रिवर, डेल्टाइक रिवर, ठीक है। जल्दी से शेयर कर दीजिए थोड़ा सा वीडियो को, फिर बताते हैं डेल्टाइक रिवर। डेल्टाइक रिवर क्या होता है कि देखेंगे आप, हमने बात की जब आप जो है जितनी नदियां आपकी किसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, जितनी भी नदियां आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वो देखेंगे ऊपर हिमालय से या फिर जहां से भी बहकर आती हैं तो अपने साथ कुछ क्या मिट्टियां काट छाट के लाती हैं, तो जब वो जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उनकी वेलोसिटी काफी कम हो जाती है, तो जितने भी उसमें मटेरियल वो काट छाट के लाई है वो सब क्या होता है, सेडिमेंटेड होता रहता है, बैठता रहता है, तो वहां पे तल का निर्माण हो जाता है। तो नदियां क्या होती हैं, ऐसे मान लीजिए अरब सागर ये भारत का बाउंड्री है, मतलब कौन सा, ये आपका पूर्वी घाट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे आपकी रिवर आ रही थी कोई, तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, कई सारी छोटी 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 लहरों में बटके धाराओं में बटके कहाँ चली जाती हैं, अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, तो ये एक डेल्टा शेप का निर्माण करती हैं, ठीक है, डेल्टा शेप का, तो इसी को क्या कहते हैं हम, डेल्टाइक रिवर, ठीक है, समझ में आया ना डेल्टाइक रिवर। अब बात करते हैं आपसे टीडल रिवर, ऐसी रिवर जिसमें डिस्चार्ज, जिस रिवर का डिस्चार्ज तथा वाटर का हेड ज्वार यानी टिडल पर डिपेंड करता है, यानी टिडल आने पर इसका डिस्चार्ज जो है क्या बढ़ घट सकता है, मतलब उस पर डिपेंड करता है, तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सी रिवर है आपकी, टाइडल रिवर है, ठीक है। अगला है आपका मिंडरिंग रिवर, ठीक है, तो हम बात करते हैं, इतना नोट कर लीजिए, मिंडरिंग रिवर बात करते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब से, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, हम बता दे रहे हैं परिभाषा, आप लोग लिख लीजिए जो है वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, तो आपको क्या होगा कि जो है पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, लिखे रहेंगे तो एग्जाम के समय आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अगला है मिंडरिंग रिवर, सातवां है आपका मिंडरिंग
रिवर, ठीक है। अब मिंडई रिवर की बात करते हैं। देखिए जब आपकी रिवर बहती है, रिवर आपकी बहती है तो देखते होंगे थोड़ा सा क्या अपने दिशा को परिवर्तित, सर्पिलाकार, ठीक है, थोड़ा सर्पिल शेप में बहती है, ठीक है, तो उसे हम वक्री शेप में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मिंडरिंग रिवर कहते हैं। मान लीजिए आपकी रिवर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे फिर आई एक रिवर, मतलब यही रिवर ही है। तो इस तरह की जब आप रिवर बहती है आपकी, तो क्या कहते हैं इसे, मिंडरिंग रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिंडरिंग रिवर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें से कुछ कुछ टर्म्स है आपके, ठीक है। मेंडरिंग रिवर में क्या होता है, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका कन्वेक्स शेप है, ठीक है, ये कन्वेक्स शेप है, ठीक है, ये आपका उठा हुआ भाग है, और ये आपका क्या, कॉन्केव शेप है। तो देखिए जब आपका पानी यहां से आया, तो यहां से जब पानी आएगा तो सीधा आपका बहता हुआ इधर चला जाएगा, ठीक है, जब यहां से टकराएगा फिर आपका पानी इधर जाएगा। तो क्या होता है कि इस सिरे पर क्या होती है, स्काउरिंग होती है, कॉनकेव सिरे पर स्काउरिंग होती है। कॉन्वेक्स सिरे पर आपको देखिए यहां पे पानी की वेलोसिटी बहुत कम है, तो क्या हो जाएगी यहां पे आपकी सिल्टिंग होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपकी रिवर मिंडरिंग में है या मिंडर शेप में है, तो किस सिरे पर आपका स्काउरिंग होता है, किस सिरे पर सिल्टिंग होता है। तो जो आपका रिवर है किसमें, मिंडर शेप में, तो आपके जो कॉन्वेक्स शेप है उस पर क्या होगा, कॉन्वेक्स पर सिल्टिंग होगी, कॉनकेव पर स्काउरिंग होगी, ठीक है, समझ में आया ना। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, मिंडर लेंथ हो गया, मिंडर विड्थ क्या होती है, ठीक है, तो सिल्टिंग स्काउरिंग समझ में आया ना। अब बात करते हैं मिंडर लेंथ की, इसमें जो पहला आपका है मिंडर लेंथ एम एल, ठीक है, मिंडर लेंथ क्या होता है आपका, देखिए दो ही सेम से मतलब सेम नेचर का कर्व लीजिए आप, ठीक है, सेम नेचर का मतलब ये वाला और ये वाला, सेम नेचर का कर्व लीजिए इसके दोनों के शीर्ष पॉइंट को, इसका शीर्ष पॉइंट मान लीजिए ये है, इसका शीर्ष पॉइंट ये है, इन शीर्ष पॉइंट के बीच की दूरी ये आपकी क्या कहलाएगी, मिंडर लेंथ कहलाएगी, ठीक है। दो सेम शेप के कर्व, मतलब जिनका नेचर सेम हो, ठीक है, अगर ये आपका ये वाला कर्व ले रहा है तो इधर भी यही वाला लीजिए, ये वाला नहीं, तो दो सेम शेप के कर्व को, मतलब समान प्रवृत्ति वाले कर्व के शीर्ष बिंदुओं को के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मिंडर लेंथ कहते हैं, ठीक है। मिंडर लेंथ डिपेंड किस पे करता है, जो आपका डिस्चार्ज इसमें है, ठीक है, डिस्चार्ज जो है, जो डोमिनेंट डिस्चार्ज होगा रिवर में, उस डोमिनेंट डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है मिंडर लेंथ बराबर होता है, ठीक है, मिंडर लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 60 ml बराबर होता है 65.8 अंडर रूट q डोमिनेंट, ठीक है। q डोमिनेंट क्या होता है, q डोमिनेंट का मान जो होता है आपका, q डोमिनेंट बराबर होता है 1/2 से 1/3 ऑफ q मैक्स, ठीक है, जो आपकी रिवर में मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लो हो सकता है उसका 1/2 से 2/3। जनरली क्या देखा गया है, जनरली जो लिया जाता है 9/16 इंटू क्यू मैक्स, क्यू मैक्स का कितना 9/16 लिया जाता है, ठीक है, जनरली आपका 9/16 लिया जाता है किसका, क्यू मैक्स का। तो ये आपके मिंडर लेंथ के बारे में, मिंडर लेंथ का परिभाषा पूछी जाएगी, फॉर्मूला से आपका क्या मिंडर लेंथ कैलकुलेट करना पूछा जाएगा, और डोमिनेंट डिस्चार्ज पूछा जा सकता है कि कितने से कितने के बीच में होता है क्यू मैक्स का, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया मिंडर लेंथ के बारे में। अब हम बात करते हैं मिंडर विड्थ की, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, मिंडरिंग रिवर में ये चीजें पूछी जाती हैं, इसीलिए जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, काफी बार पूछी जाती हैं, आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा मिंडर विथ एमबी, ठीक है, मिंडर विथ की बात करते हैं हम, तो दो विपरीत प्रवृत्ति वाले कर्वों की, मान लीजिए एक जो है आप कॉन्वेक्स वाला ले लीजिए, कॉन्केव वाला ले लीजिए, ठीक है, तो दो जो है विपरीत प्रवृत्ति वाले कर्व के शीर्ष बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी होती है उसके हम क्या कहते हैं, मिंडर विड्थ, मिंडर विड्थ, ठीक, ये आपके क्या कहलाएगी, दो विपरीत प्रवृत्ति वाले कर्व के शीर्ष बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, मिंडर विड्थ की कहलाती है, ठीक है। तो मिंडर विड्थ की परिभाषा आपको पता चल गई। अब इसमें अगला है क्या, थर्ड, मिंडर रेशियो, मिंडर रेशियो क्या होगा, मिंडर रेशियो क्या होगा आपका, मिंडर रेशियो जो होता है आपका जो मिंडर की विड्थ, विड्थ ऑफ मिंडर एमबी
अपॉन एम एल लेंथ ऑफ मेंडर, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेंडर रेशियो, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज। अब अगला चलते हैं, आपका अगला क्या है, टर्टुओसिटी कहते हैं जिसको, टर्टुओसिटी। ये क्या होता है, ये भी एक आपकी डिफिनेशन है। होता क्या है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ रिवर अपॉन एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ ऑफ रिवर, ठीक है। समझ में आया ना, एक्चुअल लेंथ ऑफ रिवर अपॉन जो है, मतलब एक्चुअल लेंथ की बात हुई कि आप पूरा कर्व सहित पूरा दूरी नापेंगे, ठीक है। और एक्सियल लेंथ का मतलब विस्थापन से ले लीजिए, मतलब सीधी लंबाई आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इसका अच्छा बताइए टर्टुओसिटी का मान क्या होगा। ये देखिए आप, ये जो एक्चुअल लेंथ है आपकी, ये हमेशा एक्सियल लेंथ से बड़ी होगी ना, तो इसका मान हमेशा किससे, एक से ज्यादा होगा, ठीक है। हमेशा एक से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। तो ये चीजें आपको समझ में आई। अब बात करते हैं क्रॉसिंग क्या होता है। क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग दो वक्रों के मध्य जो है सीधी दूरी, ठीक है। दो वक्र, एक वक्र आपका ये है, एक वक्र ये है, तो इनके बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या था, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब क्या हुआ कि दो वक्रों के बीच की सीधी दूरी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग, ठीक है। समझ में आया। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अगला हमारा कट ऑफ, कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपकी रिवर सर्पिला का आकार में बह रही है, आप इसको क्या, आप इसको एक सीधा अलाइनमेंट देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि इसको जो है कट ऑफ के द्वारा मिला देंगे, ठीक है। तो वही एक संरचना मतलब बनाई जाती है क्या, रिवर के अलाइनमेंट को सीधा करने के लिए। तो आप इसको यहां से काट के एक छोटा सा चैनल बना देंगे, ठीक है। फिर यहां छोटा एक चैनल बना देंगे, तो क्या होगा कि इससे पानी जो है आने लगेगा, धीरे धीरे चैनल चौड़ा होता जाएगा और पानी इधर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कट ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कट ऑफ। कट ऑफ आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कट ऑफ रेशियो की। कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो का क्या होगा, ठीक है। एक्चुअल, एक्चुअल कर्व लेंथ ऑफ मेंडर, एक्चुअल कर्व लेंथ ऑफ मेंडर अपॉन मेंडर लेंथ, ठीक है, एम एल, ठीक है। एक्चुअल कर्व लेंथ ऑफ मेंडर क्या हुआ, मान लीजिए आप इन दो पॉइंट के बीच की दूरी ले रहे हैं मेंडर में, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप कर्व लेंथ लेंगे इसकी, यहां से यहां तक की पूरी कर्व लेंथ लिखेंगे, फिर आपके एक्चुअल लेंथ जो यहां से यहां की आई है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल कर्व लेंथ ऑफ मेंडर मतलब यहां से यहां तक पूरा आप मापेंगे, ठीक है, और मेंडर लेंथ में मतलब ये दूरी आप लिखेंगे यहां पे, ठीक है। तो समझ में आया ना कट ऑफ रेशियो क्या है। अब बात करते हैं अगला आपका, अगला रिवर है हमारा, ठीक है, कौन से नंबर की, आठवें नंबर की रिवर, ठीक है। ये सातवीं मेंडर रिवर थी। अब बात करते हैं अगले रिवर, रिवर की, ठीक है। मेंडर रिवर आपको समझ में आना, इसकी परिभाषाएं सारी याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, सारे टर्म्स मेंडर के याद रखिएगा। अब आपकी आठवीं रिवर है फ्लैसी रिवर, आठवीं आपकी है फ्लैसी रिवर। फ्लैसी रिवर क्या होती है, वह रिवर जिसने फ्लड के जो है, फ्लड के कारण अचानक इसके लेवल में परिवर्तन होता है तथा गिराव, मतलब उछान भी होता है, गिरावट भी होती है, ठीक है। मतलब रिवर में जो है फ्लड राइज तथा फ्लड जो है क्या होता है, फॉल कहते हैं, सडनली होता है, ठीक है। ऐसी रिवर जिसमें फ्लड राइज तथा फ्लड फॉल क्या हो, सडनली होता है, ठीक है। ऐसी रिवर जिसमें फ्लड राइज तथा फ्लड फॉल सडनली होता है, तो उसे कौन सी रिवर कहते हैं, फ्लैसी रिवर कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं आपका वर्जिन रिवर की, ठीक है। ये पिछली बार एसएससी में सब पूछे गए थे, ठीक है। वर्जिन रिवर, तो देखे होंगे आप जब
जो है ऐसे डेजर्ट वाले एरिया में, जहां पे मतलब जैसे राजस्थान आपका हो गया, रेगिस्तानी एरिया में क्या होता है कि रिवर हमेशा आपकी क्या ड्राई अवस्था में होती है, जब तक कि उसे किसी रिवर या किसी चैनल से या किसी समुद्र से ना जोड़ दिया जाए, मतलब ना जुड़ जाती है, तब तक ये क्या करती है कि ये सूखी अवस्था में रहती है, ड्राई स्टेट में। तो इन्हीं रिवर को क्या कहते हैं हम, वर्जिन रिवर। ठीक है, आप रेगिस्तानी एरिया के एरिड एरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, एरिड मतलब डेजर्ट वाला एरिया। ठीक है, तो ऐसा एरिया मतलब ऐसे एरिया की रिवर हमेशा क्या रहती है, सूखी अवस्था में रहती है, ड्राई स्टेट में रहती है। कब तक, जब तक ये किसी रिवर से या फिर किसी ओशियन से नहीं मिल जाती है। ठीक है, तो इनका कैसी रिवर कहते हैं हम, वर्जिन रिवर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके रिवर के टाइप हो गए। अब हम बात करेंगे कि रिवर की ट्रेनिंग के उद्देश्य क्या है। ठीक है, शेप ऑफ रिवर्स आपके हो गए, ये सारे जो 9 रिवर बताए हैं आपको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएंगे हर एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपसे क्या कि जो है रिवर ट्रेनिंग के उद्देश्य, रिवर ट्रेनिंग के उद्देश्य, रिवर ट्रेनिंग के उद्देश्य क्या है, क्यों हम रिवर ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसका नंबर एक, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, जब तक आप इसके जो है क्या करेंगे कि बैंक्स को मजबूत बना देंगे, बैंक्स को थोड़ा ऊंचा कर देंगे कि बाढ़ के समय में ज्यादा डिस्चार्ज नदी ले पाए, गांव मतलब आसपास के एरिया जो है प्रभावित ना हो, तो फ्लड कंट्रोल के लिए। दूसरा, डेप्थ को इंक्रीज करने के लिए, डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज। अच्छा, डेप्थ ऑफ वाटर क्यों इंक्रीज करेंगे, मान लीजिए गर्मी के समय में आपके रिवर में, शुष्क ऋतु में आपके रिवर में क्या है कि पानी नहीं है, तो नेविगेशन के लिए क्या होता है, कुछ मिनिमम डेप्थ चाहिए वाटर की। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डेप्थ ऑफ वाटर को बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ेगा, चैनल को जो है थोड़ा छोटा कर देंगे तो क्या डेप्थ ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, या मतलब उसके किनारों पर जो है हम क्या करें ग्रांस लगा देंगे तो डेप्थ ऑफ जो है क्या हो जाएगा, वाटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। थर्ड आपका क्या हो गया कि अलाइनमेंट को सीधा रखने के लिए, सीधा का मतलब यह हुआ कि अलाइनमेंट कभी जो है आपका क्या, अलाइनमेंट को मतलब एक ही शेप में रखने के लिए, जो हमेशा ये रिवर चेंज करती है तो वो अपने अलाइनमेंट को चेंज ना करें। ठीक है, सिल्ट कंट्रोल के लिए जो है, सिल्टिंग को रोकने के लिए, सिल्ट कुछ वर्क ऐसे किए जाते हैं जिससे आपकी सिल्टिंग ना हो रिवर में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके रिवर ट्रेनिंग के उद्देश्य हैं, और भी बहुत चीजें हैं लेकिन इतना आपके लिए काफी पर्याप्त है। बात करते हैं हम रिवर ट्रेनिंग की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग, तो रिवर ट्रेनिंग के क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो मेनली आप तीन प्रकार की रिवर ट्रेनिंग होती है, एक हाई ट्रेनिंग, एक लो ट्रेनिंग और एक होता है मीन ट्रेनिंग। हाई वाटर ट्रेनिंग क्या, रिवर ट्रेनिंग, रिवर ट्रेनिंग जो आपकी होती है वो मेनली तीन प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी हाई वाटर ट्रेनिंग, हाई वाटर ट्रेनिंग, एक होता है आपका लो वाटर ट्रेनिंग, एक होती है आपकी मीडियम वाटर ट्रेनिंग। ठीक है, तो इन तीनों की हम बात करेंगे बारी बारी से। ठीक, यही आपका मेनली पूछा ही जाता है, हाई वाटर ट्रेनिंग, लो वाटर ट्रेनिंग, मीडियम वाटर ट्रेनिंग। जो आपका हाई वाटर ट्रेनिंग होता है किसके लिए किया जाता है, देखिए हाई वाटर ट्रेनिंग आपका डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज को बढ़ाने या कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को जो है हम कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, हाई वाटर ट्रेनिंग। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हाई वाटर ट्रेनिंग किस चीज के लिए किया जाता है, ऑप्शन में दे देगा डेप्थ के लिए, सिल्टिंग के लिए, डिस्चार्ज के लिए, तो आप क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड आपका क्या है कि हाई वाटर ट्रेनिंग और किसके लिए किया जाता है, तो फ्लड कंट्रोल के लिए, इसके लिए फ्लड कंट्रोल। ठीक है, फ्लड कंट्रोल के लिए, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कौन कौन से किए जाते हैं, मान लीजिए आपको फ्लड कंट्रोल करना है तो हाई वाटर ट्रेनिंग के लिए आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आप इसमें बनाते हैं डाइक्स और लेवीज। डाइक्स और लेवीज क्या होता है कि किनारों पर क्या करते हैं, बंध बना दिए जाते हैं ऊंचे,
ठीक है, चौड़े तथा ऊंचे बंध बना दिए जाते हैं, उसी को डाइक से लेवीज कहते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है और क्या फ्लड कंट्रोल भी हो जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या हाई वाटर ट्रेनिंग है। अगला आपके क्या है, लो वाटर ट्रेनिंग। ये आपके डेप्थ के लिए होता है, ठीक है, इसमें किसके लिए होता है, डेप्थ ऑफ वाटर के लिए, डेप्थ ऑफ वाटर के लिए जो किया जाता है, ठीक है, जो लो वाटर ट्रेनिंग होता है डेप्थ ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सेकंड है आपका, डेप्थ ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए किया जाएगा, किस लिए, क्यों डेप्थ ऑफ वाटर बढ़ाएंगे, तो क्यों, सफिशियंट वाटर डेप्थ फॉर नेविगेशन, मतलब यातायात के लिए, नाव के आने जाने के लिए आपके वाटर का जो है सफिशियंट डेप्थ होना चाहिए रिवर में। थर्ड आपका क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसमें ग्रायंस का निर्माण करेंगे। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे ग्रायंस क्या होते हैं, डाइक्स क्या होते हैं और लेवीज क्या होते हैं। ठीक है, जो आपका जो है मीडियम वाटर ट्रेनिंग, ये पूछा जाता है बस किसके लिए, मीडियम वाटर ट्रेनिंग किसके लिए करते हैं। ठीक है, तो मीडियम वाटर ट्रेनिंग किसके लिए करते हैं, सिल्टिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंटेशन, मतलब सिल्टिंग, ट्रेनिंग फॉर सिल्टिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, सिल्टिंग को रोकने के लिए आप क्या करते हैं क्या करते हैं कि यहां पे मीडियम वाटर ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, मीडियम वाटर ट्रेनिंग। ठीक, तो समझ में आया ना, रिवर ट्रेनिंग के तीन टाइप होते हैं, एक हाई वाटर ट्रेनिंग किया जाता है, लो वाटर ट्रेनिंग, मीडियम वाटर ट्रेनिंग। हाई वाटर ट्रेनिंग किसके लिए किया जाता है, डिस्चार्ज को इंक्रीज करने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए कौन सी संरचना बनाई जाती है, डाइक्स तथा लेवीज बनाए जाते हैं। इसी तीन, यही तीन क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इससे ज्यादा इससे नहीं पूछेगा। ठीक है, इसमें भी लो वाटर ट्रेनिंग किस लिए करते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर बढ़ाने के लिए। डेप्थ ऑफ वाटर क्यों बढ़ाएंगे, कि आपका जो है शुष्क ऋतु में आपका जो है क्या हो, नेविगेशन के लिए पर्याप्त डेप्थ हो। ठीक है, और क्या बनाएंगे, इसके लिए ग्रायंस बनाएंगे। ठीक है, मेन वाटर ट्रेनिंग में पूछा जाता है किसके लिए करते हैं, तो सिल्टिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक आपको मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग की। ठीक है, मेथड ऑफ रिवर ट्रेनिंग समझ में आ रहा है ना, हाँ बताते रहिए भैया, और जितना पढ़ा रहे ना इससे बाहर नहीं आएगा, तो इसको आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के समय में क्या होता है, क्विक रिवीजन के लिए आप जैसे भी नोट कर सकते हैं, पॉइंट वाइज जो भी जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप नोट करिए। ठीक, तो हम बात करते हैं किसका, मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग, जो अभी आपको बताए हैं उसी को बस बताना है, फिर से आप समझ लीजिए, यही मेथड्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग में। ठीक है, क्या है, मार्जिनल इंबैकमेंट ऑफ लेवीज, पहला क्या मेथड है, मार्जिनल इंबैंकमेंट और लेवीज, जो अभी हमने लेवीज और डाइक्स को बताया इसी को डाइक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल इंबैंकमेंट को लेवीज और डाइक्स दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि रिवर के जो साइड्स होते हैं, रिवर के साइड्स को मजबूत बनाया जाता है, बंधे बनाए जाते हैं, रिवर के साइड्स को ऊंचा कर दिया जाता है, उससे क्या होता है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी रिवर की बढ़ जाती है और उसके बाद में फ्लड कंट्रोल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है, रिवर के साइड्स को मजबूत कर दिया जाता है, रिवर के साइड्स को ऊंचा बना दिया जाता है और क्या किया जाता है, इससे आपका डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेवीज या मार्जिनल इंबैकमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे ना, जब एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेवीज या फिर जो है इंबैकमेंट क्यों बनाया जाता है, तो आप लगा लेंगे ना ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका गाइड बैंक और बेल बैंक, बेल बंड्स जिसको बोलते हैं। सेकेंड है आपका गाइड बैंक और बेल बंड्स, ये आपका किस लिए किया जाता है, जो गाइड बैंक होते हैं वो बनाए इसलिए जाते हैं कि रिवर का पार्ट आपका क्या हो, स्पान आपका सीमित हो जाए। ठीक है, रिवर के स्पान को सीमित करने के लिए। ठीक है, और निश्चित जो है क्या करा जाएगा, रिवर के स्पान को सीमित किया जाएगा और रिवर की फ्लो की दिशा को एक निश्चित दिशा में लाया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए कि रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए तथा रिवर के जो है अलाइनमेंट को किसी निश्चित दिशा में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब इसको करेंगे आप जो गाइड बैंक या बेल बैंक बनाएंगे तो आपका रिवर का स्पान चौड़ पतला हो जाएगा, तो उससे हमको क्या फायदा होगा, उसी स्पान पे हम डैम या वियर का निर्माण करते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है डैम या वियर का निर्माण करने के लिए रिवर में कौन सी ट्रेनिंग की जाती है, तो गाइड बैंक या बेल बैंक की जाती है। ठीक है,
ये चीज हो गया। इससे रिलेटेड इससे लीवर का पार्ट छोटा हो जाता है और क्या अलाइनमेंट सीधा मिलता है आपको। ठीक, अब अगला बात करते हैं ग्रॉन या स्पर की। थर्ड है आपका ग्रॉन या स्पर। देखिए ग्रॉन और स्पर में अंतर क्या है। ग्रॉन आपका क्या है, परमानेंट होता है, परमानेंट मतलब स्थाई, और ये आपका क्या होता है, अस्थाई कह सकते हैं, अस्थाई। ठीक है, बस यही है कि ये स्थाई संरचना है या अस्थाई संरचना है। ग्रॉइन बनाया कैसे जाता है, मान लीजिए आपकी रिवर है, ठीक है, ये आपकी क्या है, रिवर है, फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है तो क्या होता है कि देखेंगे आप किनारों पर, किनारों पर नदियां लगातार जो है इरोजन करती रहती है, अपना जो है बढ़ाती रहती है, या तो उससे वाटर का डेप्थ जो है कम होता रहता है। तो क्या करते हैं हम इसमें ऐसे कुछ शेप का, ऐसे ऐसे शेप का हम क्या बना देते हैं, ग्रॉइंस बना देते हैं, दोनों तरफ से किसी एंगल पे झुका देते हैं या 90 डिग्री बना देते हैं, उद्देश्य पर डिपेंड करता है। अभी हम टाइप ऑफ ग्रॉइन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब रिवर का पानी यहां पे टकराता है तो यहां पे एक शांत जल क्षेत्र बना लेता है और धीरे धीरे यहां पे सिल्टिंग होती रहती है। ठीक है, शांत जल क्षेत्र होने के कारण यहां पे सिल्टिंग होती रहती है और ये सिरा अपने आप जो है एक दिन ऐसा होता है कि यहां तक अपना एक बंध के रूप में बन जाता है और नदी का जो है पार्ट इतना हो जाता है, सीमित हो जाता है, नदी का पार्ट सीमित हो जाता है तो डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। तो ग्रॉइन इसीलिए बनाए जाते हैं कि यहाँ पे पानी आपका जो है आएगा तो यहाँ पे बस रुक जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे तीव्र नहीं होगी, तो किनारे आपके कटे छटेंगे नहीं और यहाँ पे सिल्टिंग होते होते धीरे धीरे आपका बैंक बन जाता है एक तरीके से और डेप्थ ऑफ वाटर भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो डाइक्स का निर्माण जो है ग्रॉइन का निर्माण क्यों करते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर को इंक्रीज करने के लिए, नदी के विचलित प्रवाह से नदी के तटों की रक्षा करने के लिए, नदी के तटों की रक्षा करने के लिए तो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एक होता है रिपेलिंग ग्रॉइन, एक होता है आपका अट्रैक्टिंग ग्रॉइन, एक होता है डिफ्लेक्टिंग ग्रॉइन। ठीक है, तो इसमें एक होता है आपका पहला, इधर बनाए क्या, एक होता है आपका पहला रिपेलिंग ग्रॉइन। ठीक है, रिपेलिंग ग्रॉइन क्या होता है, इसे क्या किया जाता है, इस ग्रॉइन को आप क्या करते हैं, अप स्ट्रीम साइड में क्या करते हैं, झुका देते हैं। मान लीजिए ऐसे बना है ये ग्रॉइन, ठीक है, तो ये आपका अप स्ट्रीम साइड में झुका रहेगा कितना, 60 से 80 डिग्री। ठीक है, ये ग्रॉइन क्या होता है, अप स्ट्रीम साइड में 60 से 80 डिग्री झुका रहता है। तो इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है कि बैंक से पानी को दूर ले जाना। ठीक है, ये आप स्ट्रीम साइड की तरफ 60 से 80 डिग्री झुका होता है, इसका काम क्या होता है, प्रवाह को तट से बैंक से दूर ले जाना। इन दोनों को लिख लीजिएगा कि जो है रिपेलिंग ग्रॉइन का क्या काम होता है, प्रवाह को तट से दूर ले जाना, और ये अप स्ट्रीम साइड की तरफ झुका होता है कितने डिग्री पर, 60 से 80 डिग्री पर। ठीक है, अब हम अगला आपसे बात करते हैं अट्रैक्टिंग, जो है अट्रैक्टिंग ग्रॉइन, सेकेंड आपका है अट्रैक्टिंग ग्रॉइन, ये आपका क्या होगा, ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड में झुका होगा। ठीक है, 45 से 60 डिग्री पर झुका होता है डाउन स्ट्रीम साइड में, 45 से 60 डिग्री पर। ये क्या होता है, ये आपका देखिए पहला पॉइंट इसमें हो गया कि ये डाउन स्ट्रीम साइड में झुका होगा। दूसरा इसका क्या होता है कि ये पानी को तट के पास लाने के लिए जो है बनाया जाता है, तट के पास पानी को लाने के लिए बनाया जाता है क्या, अट्रैक्टिंग ग्रॉइन। ठीक है, थर्ड इसमें आपका है रिपेलिंग हो गया, अट्रैक्टिंग हो गया, थर्ड आपका क्या है परपेंडिकुलर शेप में बनाया जाता है। ठीक है, थर्ड वाला आपका डिफ्लेक्टिंग ग्रॉइन होता है। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग ग्रॉइन, तो ये क्या होता है आपका, कैसे परपेंडिकुलर रहता है, रिवर के फ्लो के 90 डिग्री होता है। तो ये क्या करता है, ये पार्ट को सीमित, स्पान को सीमित करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो तीनों ग्रॉइन आपको समझ में आए, रिपेलिंग अट्रैक्टिंग और क्या डिफ्लेक्टिंग। रिपेलिंग में क्या होता है कि अपस्ट्रीम साइड पे 60 से 80 डिग्री झुका दिया जाता है तट से पानी को दूर ले जाने के लिए, अट्रैक्टिंग क्या होता है डाउनस्ट्रीम साइड में झुका दिया जाता है 45 से 60 डिग्री तट के पास पानी को लाने के लिए, डिफ्लेक्टिंग में क्या होता है 90 डिग्री पर होता है ग्रॉइन आपका, और पार्ट को सीमित करने के लिए, ठीक है, स्पान को सीमित करने के लिए। तो ये आपके हो गए क्या, स्पर और ग्रॉइन। ठीक है, समझ में आया ना। अगला हम बात करते हैं स्पर और ग्रॉइन के बाद में क्या है, इस पर लॉन्चिंग ए प्रॉन, फोर्थ है आपका LUN लॉन्चिंग ए प्रॉन, प्रमोचन अंचन बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रमोचन अंचन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है लॉन्चिंग ए प्रॉन, देखिए
जब आपका क्या अर्थन डैम होता है, अर्थन डैम बात करते हैं अर्थन डैम की, थोड़ा सा ट्रेपिजॉइडल शेप में होता है, ये आपका मान लीजिए अर्थन डैम है, ठीक। इधर से आपका पानी आ रहा है, पानी आपका इसके ऊपर से गया, ठीक है, तो सतह से होते हुए जा रहा है, जा रहा है, तो यहां पे मान लीजिए रिवर का बेड है, रिवर बेड, ठीक। तो अब देखिएगा, जब आप एक इसमें प्रमोशन लॉन्चिंग प्रॉन से पहले जो है पिचिंग ऑफ स्टोन होता है, पिचिंग ऑफ स्टोन क्या किया जाता है कि इसके जो है ये स्लोपिंग साइड पर पत्थर की पिचिंग कर दी जाती है, ठीक है, स्लोपिंग जो है पिचिंग ऑफ स्टोन। तो क्या होता है कि पानी जब आता है, इससे पानी आता है तो यहां पे जो पत्थर की पिचिंग हुई है, यहां पर पत्थर की पिचिंग हुई है, तो क्या होता है कि ये जो है सतह को नहीं काट पाता है, डैम के जो आपका मृदा की डैम है उसकी सतह को नहीं काट पाता है और ये पानी होता हुआ चला जाता है। लेकिन जब ये नीचे से जाएगा, देखेंगे इतनी ज्यादा स्लोप से होकर जाएगा, तो यहां पे वेलोसिटी काफी तेज हो जाएगी, तो पानी यहां पर आपके बॉटम पे आके काफी तेजी से लगेगा, काफी तेजी से गिरेगा, तो क्या होगा यहां पे आपका इरोड हो जाएगा, यहां पे आपका जो है रिवर का बेड लेवल काफी गहरा हो जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए जो हमारी पत्थर की पिचिंग होती है वो कैनाल बेड लेवल में थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं, तो ये जो बढ़ाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, लॉन्चिंग एप्रॉन कहते हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। लॉन्चिंग एप्रॉन क्या होता है कि रिवर के बेड पर जो आपकी जो पत्थर की पिचिंग थी उसको रिवर के बेड पर थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसी को हम लॉन्चिंग एप्रॉन कहते हैं, जिससे क्या रिवर का बेड आपका क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि पत्थर पिचिंग, हाँ लास्ट आपका जो है इसके बाद वाले में हम क्या स्टोन पिचिंग कर सकते हैं, ठीक है, स्टोन पिचिंग। तो ये तो अर्थन डैम के सरफेस पर किया जाता है, जिससे आपका क्या सरफेस आपका इरोड होने से बच जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिवर ट्रेनिंग वर्क था, ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम आपको वाटर लॉगिंग के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, वाटर लॉगिंग को कैसे कम किया जाए, ठीक है, कैसे कंट्रोल पाया जाए, तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।